नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं आज शुरुआत करना चाहूंगा और कहना यह चाहूंगा, जो मोदी भक्त हैं या जो अंध भक्त हैं, आज हमारी डिबेट ना देखें, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हर बार यही आरोप लगता है कि हम यदि कुछ बात करते हैं तो सरकार की आलोचना ज्यादा करते हैं। अब करें भी क्या, हमारे यहाँ तो साफ है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे पर हैं, 2 दिवसीय रूस का दौरा आज उनका थोड़ी देर में पूरा हो जाने वाला है और वहां के बाद वो ऑस्ट्रिया जाने वाले हैं। और याद होगा दर्शकों को कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी, उसके पहले भी वो जो एक 5G जो सम्मेलन था उसमें पहुंचे थे और सवाल उठे थे कि अभी तो शपथ ही नहीं ली गई है और वो 7G जो देश है उसकी सम्मेलन में निकल गए, इटली निकल पड़े हैं। तो प्रधानमंत्री जी को लेकर बार बार सवाल यही उठता है कि वे दुनिया की जो कठिनाइयां हैं उन्हें हल करने के लिए निकल पड़ते हैं, जो मुश्किलात हैं दूसरे देशों की दुनिया के उसको हल करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन देश में जो समस्या है उसे हल करना तो छोड़िए, उसे लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं वो उसके जवाब तक नहीं देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं देश में बीते 10 सालों में, अनेक अनेक उदाहरण। और सबसे यदि ज्वलंत अगर उदाहरण हम माने तो अभी 1 साल से जल रहा हमारे देश का जो बहुत अहम हिस्सा है वो मणिपुर है, और मणिपुर को लेकर बार बार बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जी को एक जरूर जो उनकी यात्रा है वहां की होना चाहिए, वहां के लोगों को जरूरत है। और जब ये तीसरी बार सत्ता उन्होंने संभाली है उसके बाद से विपक्ष निरंतर उन्हें स्मरण करा रहा है कि क्या कुछ कठिनाइयां देश में है, क्या कुछ समस्याएं हैं, और मणिपुर को लेकर तो बार बार बात हो रही है। और भी ऐसे देश के हिस्से हैं, कहीं बाढ़ है और कहीं दूसरे किस्म के हाहाकार हैं, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को जाने के लिए वहां समय मिलता और ना ही वे बोलते हैं उन मामलों पे, जो वहां के जो मुश्किलात होती हैं लोगों की कठिनाइयां उस पर बात नहीं करते। अब जब वे रूस के दौरे पर हैं तो गोदी मीडिया निरंतर 2 दिनों से सिर्फ रूस रूस और रूस दिखला रहा है, बतला रहा है, कह रहा है कि भाई 10 सालों में 6वीं बार प्रधानमंत्री जी रूस पहुंचे हैं, 7वीं मर्तबा वो पुतिन साहब से रूबरू हो रहे हैं। और जब वो रूस की यात्रा पर हैं तो भारतवंशियों से ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, और जब भारतवंशियों से वहां मिले और जो उनका अंदाज होता है मोदी जी का, जब मंच मिल जाए तो वे अपने जो रूप है रंग है उसमें आ जाते हैं। हमने संसद में तो देखा था जब राहुल गांधी ने सवाल किए थे नेता प्रतिपक्ष के नाते, और पूरा इंडिया ब्लॉक इस बार जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र देश ने देखा, बहुत सारे सवाल उठे लेकिन प्रधानमंत्री जी की ओर से जवाब नहीं आया, बल्कि उनका अलाइनमेंट बिगड़ा, वे एक अलग पटरी पर नजर आए। लेकिन जब किसी दूसरे देश पहुंचते हैं या और अवसर होता है तो उनका जो पूरे का पूरा उद्बोधन होता है, भाषण होता है, वो लगता है कि वे चुनावी मंच उन्हें मिल गया है, वो चुनावी जो अंदाज होता है उसी में डूबे नजर आते हैं, वो पूरे का पूरा उसी रंग और रूप में डूबा होता है, वही चाशनी भरा होता है। अब तो सवाल ये भी होने लगा है कि अपना घर संभाला नहीं जाता और मोहल्ले की पंचायत करने निकल जाया करते हैं। तो जो कुछ चल रहा है इस वक्त देश में, जो तीसरा टर्म है मोदी जी का, इसमें विपक्ष के जो ज्वलंत सवाल हैं, मुद्दे हैं, जिसे लेकर ना केवल विपक्ष बल्कि तो देश भी पूछने लगा है, तो हम इन्हीं जो विषय हैं, उनकी जो रूस यात्रा है, इसके बाद ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, और जो देश में जवाब आने चाहिए सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से, वो नहीं आ रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए चलेंगे। जो हमारी नियमित बहस 6 PM की होती है, डिबेट होती है, उसके लिए हम चलते हैं एक खास पैनल के पास। खास पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हैं राजेश ठाकर साहब हैं, मीनू जैन जी हैं, और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, और सुशील दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील दुबे साहब शायद कोई तकनीकी दिक्कत है या खामी है, उनको भी हम जुड़ेंगे, बाकी और भी मेहमान जुड़ेंगे, मैं बता दूं आगे बढ़ने, जुड़ गए हैं सुशील दुबे साहब सीनियर जर्नलिस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और भी मेहमान जुड़ेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। आगे बढ़ने के पहले जो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनको आप लोग निरंतर देखते हैं,
सीनियर मोस्ट लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, शानदार बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं। मैं गुजरात से चलूंगा, सबसे पहले राजेश ठाकर साहब के पास चलना चाहूंगा। राजेश सर, प्रधानमंत्री जी दो दिन से रूस में है, हमने देश में भी देखा था, देश में जो तीसरा टर्म है, महीना एक पूरा हो गया, जो प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली गई थी उसका आज पूरे महीना उन्होंने बिता लिया है, और जो सवाल उनसे हो रहे हैं वो देश की ओर तो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, वो जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब उनकी ओर से नहीं आ रहा है, वो कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो बाहर जब देश में दुनिया में जाते हैं तो बातें करते हैं, और आज भी जो उनका पूरे का पूरा रूस में जिस तरीके से हमने देखा और भारतवंशियों से जो मिले, शायद आपने भी देखा होगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी साहेब के अंदाज आगाज पर, और जो मंच मिल जाता है तो वो चुनावी अंदाज में आ जाते हैं, और जो मैंने कहा कि अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं और दुनिया की पंचायत की ओर निकल पड़े, राजेश सर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जब जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की जैसे घोषणा करता है उसी तरह से वो प्रक्रिया बंद होती है, उसकी तारीख की भी घोषणा कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को किसी ने बताया नहीं कि चुनाव खत्म हो गया है, तो अभी जो है उन्होंने मोड चेंज नहीं किया है, वही इलेक्शन वाला मोड जो है उनका चालू है। जो जनसभा में आप कहते हो वही बात संसद में कहते हो, वो अलग अलग चीज होनी चाहिए। जब आप जनसभा के अंदर कोई बात करते हो तो आपकी पार्टी की लाइन लेते हो, आपकी पार्टी की बात करते हो, आपके प्रत्याशी की बात करते हो। सदन के अंदर जब आप सवाल के जवाब देते हो तो आप जिम्मेदार प्रधानमंत्री के तौर पर उस सवाल के जवाब देते हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है वो सड़क पर भी वही भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो सदन में कर रहे हैं, और वो हमने देखा राहुल गांधी के जवाब देते देते वो कहां तक चले गए, शोले फिल्म तक चले गए, और बहुत सारी बालक बुद्धि जैसी बातें की जो वो जनसभा में भी उन्होंने यही भाषा का प्रयोग किया था। आज मॉस्को के भाषण के अंदर ही उन्होंने वही जो कैनवासिंग है उसको आगे बढ़ाया, वो वहां जाकर भी वही बात कर रहे हैं कि मैं तीसरी बार और तीन का जो आंकड़ा है उसको जोड़ रहे हैं, तीसरी बार आया हूं, तीन गुनी शक्ति से मैं काम करूंगा, जो विश्व की जो है वो तीसरी ताकत बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आपने पहली बार ऐसा देखा होगा, हम तो जानते हैं कि एक पीआर एजेंसी नरेंद्र मोदी के लिए काम करती है, जहां जहां पर वो जाते हैं वहां पर ऑडियंस को किसको वहां पर रजिस्टर करना है, कैसे किस कोने से जो है वो वंदे मातरम बोलना है, किन लोगों को भारत माता की जय बोलना है, पूरा जो डिजाइन है वो तय रहता है। अमेरिका के कार्यक्रम के अंदर भी वही होता था, हमारे अहमदाबाद का ही एक लड़का है जो वहां पर ये पीआर एजेंसी चलाता है, वही कार्यक्रम जो है सारे वहां पर डिजाइन करता है। लेकिन आज के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि जो ऑडियंस था उससे रिएक्शन नहीं आ रहा था, मैं पहली तीन या चार रो देख रहा था, वहां कोई जो है उत्साहित होके कोई ताली बजा रहा था ऐसा नहीं था, एक कोना था जहां से कुछ आवाजें आ रही थी तो रिस्पॉन्स वो नहीं हो रहा था। दूसरी चीज ये है वो वहां जाकर वही बात कर रहे हैं जो देश के अंदर चुनाव के दौरान उन्होंने बातें कही थी। उनको अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो इंडिया की जो समस्या है उसको भी वहां पर बात करनी चाहिए कि ये समस्याएं मेरे सामने, इतने जो सवाल है मेरे सामने जो है, इतनी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को अगले 5 साल के अंदर मैं कैसे हल करूंगा। वो वहां भी ये बता रहे हैं कि मैं तीसरी बार जो है लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जबकि विश्व जानता है इस वक्त का जो आशीर्वाद है वो अधूरा आशीर्वाद, उनको पूरा आशीर्वाद जो है वो जनता ने नहीं दिया है। तो आपके जो 10 साल का कार्यकाल था उसको खास करके मोदी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, उसका मतलब कि मोदी के नेतृत्व को यहाँ के लोगों ने नकार दिया है। और उससे मजेदार बात ये हुई कि जब वो पुतिन से आज फॉर्मल मुलाकात थी उनके घर पर, वहां भी वही बात कर रहे थे कि मैं तीसरी बार जीत कर आया हूँ, मेरे जो है तीसरी बार बहुत ज्यादा फोर्स से मैं काम करने वाला। और पुतिन उसको जो जवाब दे रहे हैं बहुत मजेदार जवाब है, पुतिन साहब कह रहे हैं कि सारी जो बातें हैं वो कल हमारी होने वाली है फॉर्मल बातें, तो आज जो है हम घरेलू माहौल में हैं तो वो बात करते हैं। उसका मतलब कि पुतिन जो है वो उसको ऑडिट कर रहे हैं कि आप अभी मेरे साथ जो बात कर रहे हैं वो कोई डिप्लोमेटिक बात करने का जो है ये मंच नहीं है, हम फॉर्मल मिल रहे हैं चाय पानी के लिए, कल जो है वो सारी बातें होंगी। लेकिन वहां पर भी वो जो सभा में कही थी वही बात वहां पर रिपीट कर रहे थे वो, तो बिल्कुल हम जानते हैं
कि प्रधानमंत्री का जो पूरा होता है उसमें भी वो मोदी 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 वाला छूटा नहीं उनसे। आपने देखा होगा कि पूरे कैमरे मोदी के सामने थे और वो खुद ये कह रहे हैं कि पूरे कैमरे जब मेरे सामने थे तो बहुत सारे ऐसे विषय से थे जिसको जो है लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, जो आदमी खुद सारे कैमरे जो है अपने सामने रहे, मीडिया कवरेज अपने पास रहे, उसकी कोशिश करता है, वही जाके वहां पर ये कहता है कि सारे कैमरे जब मोदी के तरफ थे तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसकी चर्चा चुनाव के दौरान नहीं हुई। तो उसमें सबसे बड़ा विषय तो था मणिपुर का था, जो सदन के अंदर ढाई घंटे तक लोगों ने जितनी बार मणिपुर बोला उसमें नरेंद्र मोदी ने जो है खत्म होते होते दो या तीन बार मणिपुर का शब्द यूज किया है, और जैसे देश का कोई हिस्सा ही नहीं है। आज यूक्रेन की चिंता कल करेंगे वो वहां पर, लेकिन मणिपुर की चिंता कौन करेगा। तो ये सवाल लोगों के बीच में जाए, वो मॉस्को गए उसके पहले राहुल गांधी का मणिपुर जाना, असम जाना, ये आप देखिए कब पॉलिटिक्स बदल रहा है। लोगों को कुछ बात जो है वो कहकर नहीं, लेकिन कुछ बात दिखाकर भी जो है लोगों के जहन में बिठाई जा सकती है कि भाई एक विपक्ष का नेता है जो जहां पर हाथरस में हुआ तो हाथरस चले गए, जब पार्टी को जरूरत पड़ी तो वो गुजरात चले आए, जब कार्यकर्ताओं पर दमन हुआ तो वो जो है गुजरात चले आए, जब आसाम में बाढ़ आई तो वो आसाम जा रहे हैं, मणिपुर की बात कौन सुनेगा, वो संसद तक कौन पहुंचाएगा, तो जो है वो मणिपुर जा रहा है, लोगों की पीड़ा जान रहा है। और एक दूसरी शक्ति है जो है विदेशों के अंदर जा रही है और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही है जिसका सरोकार हमारी निजी जिंदगी के ऊपर नहीं है। तो ये बिल्कुल एक नैरेटिव अभी भी जो है नरेंद्र मोदी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव धीरे धीरे चुनाव के बाद भी जो है वो लोगों के बीच में जा रहा है कि देश की बात कौन करेगा, देश की समस्याओं पर चर्चा कौन करेगा, देश का जो हिस्सा है जिसको आप जैसे इंडिया का कोई हिस्सा ही नहीं है इस तरह से आप उसको जो है एड्रेस कर रहे हो, उसको कौन संभालेगा। ये सारी जो चीजें हैं ये चीजें मीडिया दिखाए ना दिखाए लेकिन पैरेलल चल रही है। एक तरफ मोदी का वो प्रवास चल रहा है जो रशिया के अंदर हो रहा है और फिर ऑस्ट्रिया जाएंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की वो यात्रा है, और राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है सिर्फ प्रेस करके या सदन के अंदर कुछ बोल के वो बात को छोड़ने वाले नहीं है, अब उस बात को जो है वो लोगों तक ले जाने के लिए वो लोगों तक जाएंगे। तो ये एक प्रकार की जो है वो ही भारत जोड़ो यात्रा ही है। जब वो गुजरात में आते हैं जो मोदी के लिए कहा जाता था कि आपदा को अवसर में वो तब्दील कर देते हैं, तो राहुल गांधी ने वही करा गुजरात के अंदर आकर। जब उनकी ऑफिस पर हमला हुआ, पांच कार्यकर्ताओं को जो है बंद कर दिया गया, तो उन्होंने उस आपदा को जो कांग्रेस पर आई थी उसको अवसर में पलट दिया। वो आए, पार्टी का संगठन था उसका मॉरल बढ़ा दिया, उन्होंने जो बात कहनी थी सदन में पूछा गया था गुजरात कब जाओगे, तो उन्होंने गुजरात में आकर ही कह दिया कि मैं गुजरात आया भी हूँ, गुजरात में हम हराएंगे भी। तो ये सारी जो चीजें वो पैरेलल चल रही है, और मीडिया के अंदर उनको देना है या नहीं देना है, आप देखिए राहुल गांधी को नेगेटिव अप्रोच से भी लेकिन महत्व मिल रहा है, और उनकी जो बातें हैं वो एक साथ चल रही है। तो वही बात कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक फोन में यूक्रेन युद्ध बंद करा देने की बात करते, ये सारी चीजें हैं, और दूसरी तरफ जो है एक ऐसा विपक्षी नेता है वो जमीन पर जाकर यहाँ के जो लोग हैं उनकी बात करता है, वो नीट के लिए बात करता है, उसके लिए लड़ रहा है, वो जो है महंगाई बेरोजगारी रोजी रोजगार की बात करे। तो चुनाव के अंदर जो एक नॉन बायोलॉजिकल लीडर जो सिर्फ आसमानी बात करता है और एक बायोलॉजिकल लीडर जो जमीन की बात करता है, उसके बीच में लोगों ने जो है एक चुनाव किया, भले वो आधा अधूरा रहा, लेकिन ये मैंडेट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो धर्म की बातें हो या बड़ी बड़ी दूसरी बातें हो, उससे हमको सरोकार नहीं है। तो यही चीज आगे बढ़ रही है, और मोदी जी वही अपने पुराने रोल में हैं, वो स्क्रिप्ट बदल नहीं रहे, या कि उनके जो राइटर है उनको बदलना चाहिए या उनकी स्क्रिप्ट बदलनी चाहिए, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट जो है बदल नहीं रही है। इंडिया की जो स्क्रिप्ट है वही जाकर वो विदेशों के अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा बेदूर भाषण उनका सदन के अंदर था, ऐसा ही रिस्पॉन्स जो है वो भारतीय मूल के लोगों के बीच में जब वो भाषण कर रहे थे वहां पर भी वही माहौल दिख रहा था।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूँ। मैं दो चीजें आगे बढ़ने के पहले सवाल में सुनील शुक्ला साहब का ही बहुत बहुत स्वागत करूंगा। सुनील सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत आपका हमारे इस पे जो डिबेट के लिए आपका स्वागत है। मैं दो चीजें करता हूँ, राहुल गांधी का कल का जो उन्होंने वहां जो दौरा मणिपुर किया, मणिपुर का किया, फिर एक अपील, और आज एक जो निकल कर आता है जो मोदी साहब रूस में कह रहे हैं, दो चीजें देखकर फिर आगे सवाल करूंगा। पहले मैं राहुल गांधी जो चाहते हैं वो सुनना चाहूंगा आप सबको और दर्शकों को। मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और जो यहां हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए, मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। एक तो राहुल गांधी जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की आवश्यकता है मणिपुर के लोगों को और उनको आना चाहिए। अब अगर हम जाएं जो रूस में जो बातें उन्होंने तमाम कही, जो राजेश जी ने भी बताई, अब एक ये बयान वहां जो रूस का है वो भी सुनिए, जो मोदी जी कह रहे हैं क्या अर्थ निकाले जाए। मैं इस पे सवाल अरुण जी से करूंगा, दीक्षित साहब के चल के सुनिएगा। चुनौती को चुनौती देना, मुझे लगता है शायद इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आई है, पूरा नहीं सुनाया गया। उन्होंने जो कहा है कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। अरुण जी आपने भी देखा और सुना होगा जो रूस में चल रहा है सारा कुछ, थे प्रधानमंत्री जी, क्या आप कैसे उसको आंकिएगा और ये चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है, कैसे इसको लिया जाए? अरुण सर अनम्यूट कीजिएगा, सर अनम्यूट कीजिएगा। संजय जी सबसे बड़ी बात यह है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो ये इवेंट कर रही है, वहां पर आयोजित कर रही है, जैसा राजेश भाई ने देखा था, एक कोने में थोड़े लोग बोले। नरेंद्र मोदी का जो भाषण वो मैंने भी सुना था, दरअसल मुझे लगा कि वो भोपाल के जम्बूरी मैदान में सभा चल रही है। रूस में देखिए, उन लोगों के बीच में गए हैं आप जो देश छोड़ के रोजी रोटी की तलाश में और किसी काम के लिए, कारोबार के लिए देश छोड़ के गए हैं, उनके बीच में जाके आपको क्या बात करनी थी, क्या बात करनी है, वो नरेंद्र मोदी को नहीं समझ आती, उन्हें नहीं करना आता है। वो बात वही करेंगे, अपनी ही बात करेंगे, पहले मैं, अब चुनौती को चुनौती। तो चुनौती को चुनौती देने के लिए आपको मॉस्को जाने की क्या जरूरत थी, मणिपुर इम्फाल चले जाते, कोई समस्या नहीं थी। अरे हाथरस चले जाते, 122 लोग मरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब रोज देखिए, आज भी अटैक की खबरें आई हैं, टेररिस्ट अटैक हुआ है श्रीनगर में, आपने 370 खत्म की, चुनौती नहीं खत्म हुई है। तो चुनौती कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि खुद चुनौती बन गए हैं, चुनौती सब आके चिपक गई है उनको, वो किसी चुनौती को नहीं देख पा रहे हैं। एक तरफ से जैसे कभी कभार आप स्कूटर पर चलते हैं तो सारे बरसाती कीड़े आपकी तरफ आ जाते हैं, सारी चुनौतियां मोदी से चिपक गई हैं, वो खुद चुनौती का प्रतीक बन गए हैं। कहाँ क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, वो भी देखा था हमने, पुतिन के सामने वो बैठे हैं। उससे पहले वो दिन भी याद आया कि जब वो कह रहे थे हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही AI बोलता है, जबकि मैंने सुना है कि गुजरात में तो माँ को बाप बोलते हैं, हम लोग अम्मा बोलते थे अलग अलग, लेकिन वो AI बोलने लगे। तो क्या है कि दरअसल घटिया तुकबंदी करते करते और अनपढ़ों के बीच में या उस जमात में जिसको बोलने से मना किया है उसके बीच में बैठ के उन्हें एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी तरह की कोई नहीं। अब आप बताइए, रूस के लोगों के बीच में एक हॉल, उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, उसको देखा है उसमें कितने लोग बुलाए गए हैं, पूरी तैयारी दिख रही है, कैमरे ने सब बताया है। वहां आप कहते हैं हम 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करेंगे, वहां भारत के सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी की आप बात कर रहे हो, और जब दीदी शब्द आता है तो लोगों के सामने वो तस्वीर आ जाती है ममता बनर्जी को, जो लेके आप दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी कर रहे थे। तो क्या कर रहे हैं, मतलब
उन्हें ये पता नहीं लगता। एक बड़ा प्यारा सा चुटकुला है, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ एक हमारे साथी थे, वो बहुत सुनाया करते थे। वो गाजीपुर के कहीं के रहने वाले थे, बोले कि गांव के लोगों ने कहा कि एक बच्चे को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, पढ़ाया जाएगा उसको, और उसको चंदा दे के अंग्रेजी पढ़ाई गई। जब वो पढ़ के लौट आया कई साल बाद, जैसे कि ये कहते हैं कि मैं कंदराओं में तपस्या करके लौटा, तो उससे पूछा गया, भाई अंग्रेजी सीख ली? बोले हाँ बिल्कुल सीख ली। बोले बताओ कैसी होती है? बोले नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। अब बड़ा खब सीख गया। कुछ दिनों बाद वहां एक गांव में अंग्रेज आ गया, और बेचारा प्यासा था, उसने पानी मांगा, लेकिन आदमी जो बैठा था अंग्रेज ने अंग्रेजी बोली, तो वो आदमी भाग के चला गया। बोले भैया उसको बुलाओ जो अंग्रेजी पढ़ के आया। अब जब सज्जन पहुंचे बढ़िया हाफ कुर्ता पहने हुए बाकायदा टहलते हुए, तो उसने कहा, सर आई जस्ट आस्क फॉर वाटर एंड दिस जेंटलमैन कॉल्ड यू, प्लीज हेल्प मी, आई नीड वाटर, आई एम थर्स्टी। बोले नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। अब उसने फिर कहा, तो उसने नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। वो फिर बोला, बोले नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। वो समझ गया कि ये आदमी नहीं सुनने वाला, उसने दोनों हाथ जोड़े, बोले सर आई नीड वाटर, आई एम थर्स्टी। तो जितनी जनता थी उन्होंने कंधे पर उठा लिया उसको, बोले वाह बेटा क्या अंग्रेजी बोली है, साला अंग्रेज पानी मांग गया। तो हमारे मोदी जी ठीक वही अंग्रेजी, उतना ही आता है उनको, उतनी ही बात करेंगे, उन्हीं बातों पर बात करेंगे, राष्ट्र के सामने खड़े मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे। दुनिया में हमारी क्या स्थिति बन रही है उन पर वो बात नहीं करेंगे। उनको पता है कि वही चीज है, चुनौती की चुनौती, मैं अकेला, मेरा तीसरा टर्म। अरे आपका काहे का तीसरा टर्म है? तीसरा टर्म तो उन बैसाखी एनडीए को है, मोदी को नहीं है। एनडीए कल अगर नीतीश कुमार और नायडू चाह लें तो एनडीए का नेता बदल सकता है या सरकार गिर सकती है, लेकिन वो जो आदत पड़ी हुई है अहम ब्रह्मास्मि, जो हूं मैं हूं, भाई बीजेपी के लोगों ने तो मान लिया कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, जो मोदी ने कहा वो अंतिम सत्य है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसा भाषण वहां चल रहा था लोकसभा में, जब वो बालक बुद्धि से लेके सारी बातें कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने जिस गंभीरता का परिचय दिया वो देखने लायक था। हम लोग ना तो कांग्रेसी है ना भाजपाई है, लेकिन जो हम देखेंगे तटस्थ रह के देखेंगे और उसी पर बात करेंगे। वहां क्या हुआ, राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जो बात कही थी वही पूरा सबने मिलकर नैरेटिव डिसाइड करने की कोशिश की, ये तो पूरे हिंदुओं के खिलाफ वो कर रहे हैं, उसने वही टोका और वही जवाब दिया। लेकिन इसके बाद भी अब शंकराचार्य जी ने उसको क्लैरिफाई किया कि हमने सुना है राहुल ने क्या कहा, लेकिन तब तक इनका झूठ इतना बढ़ जाता है, क्योंकि वही है, एक नारा लगा दो, भैया आप देखो राम मंदिर की बात की क्या, क्योंकि पता है दुनिया भर को कि राम मंदिर टपक रहा है, अयोध्या बर्बाद हो गई है, अयोध्या में भी हारे हैं, नहीं बात करेंगे। मणिपुर को मुझे लगता है उन्होंने यूक्रेन समझ लिया है, वो भूल गए कि मणिपुर हमारे देश में है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे, यूक्रेन पर पंचायत करने चले जाएंगे, अपना छोटा सा राज्य। और सबसे गंभीर बात है, पहले भी कही संजीव जी, आप देखिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने ये कहा है कि 900 गांव बस गए हैं म्यांमार बॉर्डर से लगे हुए। मैंने वो इलाका देखा है, मोरे से दैनिक मजदूर आते थे बर्मा से काम करके और लौट जाते थे, उस पूरे एरिया में असम राइफल्स के जिम्मे उस बॉर्डर की जिम्मेदारी है। क्या कर रहे हो आप 900 गांव बसने की बात आपका मुख्यमंत्री कर रहा है, आग लगी हुई है, जनता बुला रही है, आपके मुंह पर मणिपुर का नाम नहीं आ रहा है। महुआ मित्रा ने जितने ढंग से जवाब दिया था, जितनी बात की थी, मुझे लगता है कि अगर सच में जवाब देने की स्थिति होती, जाके रूस में जो बात कर रहे थे वो सदन में सुन लेते महुआ मित्रा को, लेकिन नहीं, चूंकि उन्हें सिर्फ कहना है, क्या कहना है सामने वाले को, मुझे नहीं लगता कि जो बात अभी कही कि पुतिन भाई चाय पे बैठे हैं, घर के भीतर बैठे हैं, तो वहां तो वो बात करो ना कि भाई कैसे हो, क्या हाल है। अरे वो आपको आपने घोड़ा दिखा रहा है, घुड़साल दिखा रहा है, अपना घर दिखा रहा है, आप अपने देश की बात कर रहे हैं, आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं। तो जो व्यक्तिगत दोस्ती होती है, गले मिल लेने भर से दोस्ती थोड़ी ना होती है, दोस्त वो होता है जो सुख दुख की बात करे, अपनी बात करे। लेकिन चूंकि मोदी को वो आदत ही नहीं है, बन में ट्रैफिक है, चलेगा तो वही चलेगा। वहां भी आप देखिए अपने लोगों के बीच में बात करते हुए भी उनके चेहरे पर जो भाव था वो वही चुनावी सभा, वही सारी चीजें। और जो राजेश भाई ने कहा था कि जिस तरह की बात वो कर रहे थे और जो रिएक्शन आ रहा था, वो कोने में जो लोग बैठे हुए थे, मैंने कुछ चेहरे देखे जब वो
तीन करोड़ दीदी की लखपति दीदी की बात कर रहे थे तो एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आप ये सोच लीजिए कि लाख रुपए की आज हैसियत क्या है। लखपति दीदी का आप तीन करोड़ का नारा ले रहे हैं लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि देश में आज महिलाओं के साथ क्या स्थिति है, उनके खिलाफ कितने अपराध हो रहे हैं, उस पर आज तक आपने बात नहीं की। और ऐसी बात थी तो आप तो पिछले सत्र में आप लाए थे कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिला सशक्तिकरण वंदन अधिनियम कहां गया भाई? लोकसभा के चुनाव में आप टिकट नहीं दे पाए, मंत्री बनाते वक्त किसी योग्य महिला को मंत्री नहीं बना पाए आप। एक निर्मला सीतारमन को छोड़ दीजिए, वो बीजेपी की नहीं है, लेकिन जिन सावित्री ठाकुर को लाए आप, वो बेचारी कुछ लिख पढ़ नहीं सकती। आप किसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं महिलाओं को? तो उनको जिनके मुंह में ना तो जब कभी जवान आएगी ना वो कुछ लिखेंगी पढ़ेंगी, वो सिर्फ आपके हुक्म का पालन करेंगे। क्या कर रहे हो तो ये नाटक पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और वहां मोदी जी जब बात करते हैं तो लोग हंस रहे थे, सब देख रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे झंडे जब दिखाए गए तो उनको क्या, लेकिन उनका तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, मैं मेरी चुनौती मैं करूंगा, इसके आगे बढ़ते नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा भी लौटता हूँ, फिर मैं सुनील सर आपके पास आता हूँ। हम लोगों ने जो बात कर रहे हैं आपने भी देखा होगा, नेहरू के बिना भाषण पूरा नहीं होता है। वो उन्होंने तुलना अपनी वहां बार बार, कई बार हमने देखा कि वो तीसरी बार बराबरी, और जो वो गीत का भी उल्लेख उन्होंने किया, मेरा जूता है जापानी ये पतलू इन हिंदुस्तानी तमाम, और उसमें हिंदुस्तान के प्रति प्रेम का इजहार, लेकिन हिंदुस्तानियों के प्रति जिस तरीके का एक उनके भाव आना चाहिए देश के मुखिया के नाते, वो नहीं है। और वो जो मैं की बात है, कैसे देखिएगा, कैसे कहिएगा, ये दुनिया के मंचों पर तो कम से कम ऐसी बातें हो जो कुछ निकल कर आए, विजन दिखे इंडिया का। अब चुनावी भाषण, चुनावी मुद्रा, उससे ऊपर नहीं हो पा रहा है मामला। आपकी प्रतिक्रिया सर सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। एक तो विदेशों में किसी प्रधानमंत्री के इस तरह के समारोह हमने देखे नहीं है। क्रेमलिन में पुतिन और मनमोहन सिंह जी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड की है, वहां लोगों ने सवाल पूछा था, किसी कोई व्यक्ति डोमेस्टिक सवाल नहीं पूछा, डोमेस्टिक इश्यूज पे सवाल नहीं पूछा। हर लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते थे, बायलेटरल इश्यूज थे जो रूस और इंडिया के बीच में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बक्के में इंडिया के रोल की बात थी, रूस के अपने इंटरनेशनल फोरम पर, मतलब तमाम तरह के सवाल थे, लेकिन डोमेस्टिक इश्यूज पर किसी ने बात नहीं की। मैंने सम्मानित प्रधानमंत्री जी को आज तक मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, न देश में देखा न दुनिया में देखा। मनमोहन सिंह जी से के का एक कार्यक्रम था, नॉन अलाइनमेंट की समिट थी, वहां इस देश के पत्रकार पहले से पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक डोमेस्टिक इश्यूज पे सवाल पूछे, मनमोहन सिंह जी ने साफ तौर पे मना किया एकदम पब्लिकली, तमाम पत्रकार वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप इस यह विषय हमसे आप दिल्ली में पूछ लीजिएगा, हम आप यहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज से बात करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और यह गरिमा लगभग मैंने किसी गंभीर पत्रकार को नहीं देखा है कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में डोमेस्टिक सवाल पूछते। यह बात इस गरिमा का ध्यान उन लोगों ने रखा है जिनका काम ही है सवाल पूछना, वो भेद नहीं करते कि कौन सा विदेशी सवाल है कौन सा स्वदेशी सवाल है। बावजूद इसके लोगों ने इस मापदंड का या इस एक जो तरीका रखा गया इसका पालन किया। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं, मैंने इनकी पहली सभा देखी थी मॉरिशस में, और एक स्टेडियम था वहां पर इनकी सभा आयोजित की गई थी, और जो बात कही अरुण जी ने वो इवेंट मैनेजमेंट, मैंने भारतीय मूल के लोगों को भारतीय दूतावास लगभग हर जगह आमंत्रित करता है, लगभग हर जगह, और उन लोगों के साथ जो इंडियन डिग्निटरीज हैं, चाहे राष्ट्रपति जी हों चाहे उपराष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उनसे बात करते हैं, संवाद कायम करते हैं, और अच्छी खासी लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, अपनी बात कहते हैं। हर व्यक्ति हर नेता कहता है कि आप, मैंने यही कहते हुए सुना कि आप मैंने इंडिया के एम्बेसडर्स हैं इन देशों में, आपसे हमारा सम्मान बढ़ता है, आपसे हमारे देश का गौरव बढ़ता है, आप जो करते हैं उससे हमारे दुनिया के पैमाने पर हमारी इमेज बनती है। मतलब कोई
अंदरूनी राजनीति, भारत की राजनीति की चर्चा कभी मैंने करते किसी को देखा नहीं जी। प्रधानमंत्री जी हर जगह जाते हैं तो अपनी बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि वहां पे रहते हैं वो लोग, या जो इनके अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं उसके लोग हैं, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां तो हर जगह वो अब हमारे यहाँ वो दिखाई पड़ती हैं जो बकायदे लग करके इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। लेकिन मैं यह बहुत ही विश्वासपूर्वक आपसे कह सकता हूं कि जिन देशों में इस तरह के भाषण होते हैं उन देशों में कोई इसका असर नहीं पड़ता, वहां के लोग इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। भारतीय नेताओं को लोगों ने अपने देश के दौरे के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। एक भाषण का मैं गवाह हूं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़ी संस्थान ने आमंत्रित किया था, उस भाषण को सुनने में भी गया था, पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था पूरा, जिसे हम लोग सिनेमा हॉलों में नहीं देखते हैं कि नीचे और बालकनी और ये जो ऊपर नीचे जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट था सब भरा हुआ जी जी। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अंग्रेजी भाषण दिया, उसका तर्जुमा किसी कोई एक व्यक्ति कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी का वो नेता था जो चाइनीज लैंग्वेज में कर रहा था, 1.5 घंटे का भाषण था वो। निकलने के बाद व्यक्तिगत तौर से मैं आपसे कह सकता हूं कि हाँ जो भाषण सुन के निकल रहे थे चाइनीज, उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। 90% लोगों ने कहा कि हिज ए लर्नेड पर्सन, बिल्कुल ही हैज इनलाइटेंड अस, ये लोगों की प्रतिक्रिया थी। और पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, जिसको कहते हैं ना हम लोग की सुई गिरे तो आवाज हो जाए, अपने पूरे भाषण की कोई नारेबाजी नहीं, कोई भारत जिंदाबाद नहीं, कोई चीनी भारत भाई भाई नहीं, कुछ नहीं। एक नेता का एक अपने विजिटिंग कंट्री में एक भाषण और उनके आमंत्रण पर। मैं छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है बुरनई, हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति थे, वहां के विश्वविद्यालय ने उनको आमंत्रित किया बोलने के लिए कि आप मेरा भाषण देने, और उसी आयोजन बहुत बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने वहां के लोगों ने डेवलप किया, वहां भारतीय मूल के लोगों को भी आमंत्रित किया गया, बहुत बढ़िया भाषण हुआ, उन्होंने भी दो द्विपक्षीय संबंधों की बात की। सवाल इस बात का है कि अगर आपके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की बातें करेंगे, और या आप किसी विदेशी राजनयिक को आप याद कीजिए कि उनका अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण हुआ था पुराने किला में यहां दिल्ली में, बहुत भीड़ थी उस भाषण को भी मैं सुनने गया था, एक बार भी उन्होंने यूएस पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, इंडो यूएस रिलेशनशिप की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया की इंपॉर्टेंस की, तमाम विषयों की बात की, एक बार भी यूएस पॉलिटिक्स की बात नहीं की कि वहां की राजनीति क्या हो रही है और कैसे हो रहे हैं। बराक ओबामा का भाषण आप याद कीजिए, कभी इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का अपना नजरिया है, विदेश यात्राओं पे सवाल नहीं पैदा होने चाहिए, बिल्कुल सही, उसके ऊपर उसकी चर्चा लेकिन जरूर उस समय होगी जब आपकी प्राथमिकताएं क्या है। बिल्कुल, एक तरफ पूरी दुनिया में एक तरफ पूरी दुनिया में यूक्रेन युद्ध को लेकर के रूस की आलोचना हो रही है, हम भी आलोचना करते हैं, भारत ने भी कभी समर्थन नहीं किया, प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान बातचीत से हो जाए, बिल्कुल, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो या तो केवल कहने के लिए अपनी बात कह रहे हैं आप, या बातचीत कराने के लिए आप दबाव बनाएंगे। अब मैं सुशील दुबे जी से मेरी नाराजगी भी है, मैं कहता हूं कि नहीं, मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इनके साथ बैठ के चाय पी रहा हूं, तो किस बात की नाराजगी, ये निरर्थक बात है ना। अगर आप कोई बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध खत्म होना चाहिए और दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय विवाद है इसका शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके बात होनी चाहिए, और अगर आपका आग्रह नहीं सुना जा रहा है तो आप दबाव कैसे बनाएंगे। अगर वहां उस देश की आप यात्रा करते हैं गोया कि आप उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं प्रकारांतर से, बिल्कुल, भले आप उसके पक्ष में न पहुंचते, जाना ही आपका इस बात का संदेश जाता है दुनिया के, तब जो देश पे नाराज, यूक्रेन ने भी इसी बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की है
कि भारत एक बड़ा देश है, तमाम दुनिया के बड़े देश हैं जो रूस नहीं जा रहे हैं, रूस से बात भी नहीं कर रहे हैं, व्यापार तक नहीं करने के लिए उन्होंने बात कही हुई है, क्योंकि एक 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 अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसे ही बनता है ना, जब आप के ऊपर दबाव, आप यूएस तमाम आर्थिक सैंक्शन लगा देता है, क्यों लगाते देते हैं, उनको ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों में जब उस देश की भूमिका नहीं रहेगी तो उसके उसके ऊपर उस सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ेगा कि वह अपने निर्णय में परिवर्तन लाए। आप उस देश को उसकी गतिविधियों को मान्यता भले जबानी जब मैं न दे रहे हूं, लेकिन अगर आप उनके साथ उठने बैठने के लिए तैयार हैं, संदेश यही आता कि केवल कहने के लिए कोई बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत और रशिया संबंधों का ये 20 साल से ज्यादा का समय पूरा हो गया, एक अच्छा मौका है, दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और दिन प्रतिदिन मजबूती हुए हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस यह अवसर सेलिब्रेट करने का है, इसका एक एक एक, एक आप इसको इस अवसर को आप मना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुनील सर, बिल्कुल इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके देश, अगर आपके देश में मणिपुर को लेकर एक नाराजगी है, 23 लाख विद्यार्थी सड़कों पर है, 1 करोड़ परिवार सड़कों पर घूम रहा है कि साहब नीट का परीक्षा का होगा क्या, ये किसानों किसान सड़क पर घूम रहा है, हाथरस की बड़ी घटना हो गई, और ऐसे में पता चला आप ऑस्ट्रिया जाने की आवश्यकता है भाई, ऑस्ट्रिया केवल एक रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं आप ना, केवल एक रिकॉर्ड बनाने के 40 साल के बाद, 40 साल बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री वियना की यात्रा पर जा रहा है, क्या मतलब इसका, एक ऐसे दौर से हम आप गुजर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था संकट है, अंदरूनी झगड़े हैं, प्रधानमंत्री की यहां मौजूदगी या सरकार की क्रियाशीलता देख लोग अपेक्षा कर रहे हैं, तो तब सवाल पैदा होते हैं। कोई वियना में कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो हो नहीं रहा, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कोई एजेंडा तय नहीं है, दोबारा भी लड़ूंगा, आप कंक्लूड करिएगा, मैं ये 2 सवाल और लोगों से करके दोबारा लड़ूंगा जी, मेरी बात पूरी हो गई, केवल इतना ही कि एक जिस पृष्ठभूमि में अगर आपकी यात्रा होती है उसका उल्लेख किए बगैर आपके यात्रा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसीलिए सवाल पैदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हम लोग भी कोई यात्रा के विरोधी नहीं है, कूटनीतिक जो सफलताएं अर्जित करे देश और देश दुनिया में जो उसकी अपनी भूमिका एक हो सकती है उसका निर्वहन बहुत बखूबी करे, एक अलग स्थान बनाए, पूरा देश यही चाहता, लेकिन सवाल वही कि जो आपका जिस तरीके से आप पेश आ रहे हैं उसको लेकर सवाल हो रहे हैं। मैं सुशील सर आपके पास आता हूं पहले, फिर मीनू जी के पास फाइनली पहुंचूंगा, एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा पहले प्रधानमंत्री जी का, जो वहां रूस का आजी का जो भारतवंशियों के साथ है, पहले हम उसे सुनते हैं फिर मैं आपसे सवाल करूं। वहां जो आज रूस में भारतवंशियों से जो बातचीत कर रहे हैं, जिसपे गर्त में डूब चुके थे, हताशा निराशा ने हमको जकड़ लिया था, आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है, एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है, निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। अब ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो दावा उनकी ओर से किया जा रहा है, इसका सुशील सर से शायद संपर्क टूटा है, क्या दिक्कत है, उन्हीं से सवाल मैं करने जा रहा था, और उन्होंने ये कहा 2014 के पहले की बात कर रहे हैं, जब यही राहुल गांधी या कोई विपक्ष का नेता, विपक्ष का कोई सदस्य दुनिया के अलग देश में जाता और कोई बात रख देता है तो पूरा उन्हें ट्रोल कर दिया जाता है, जुट जाती है जो मोदी भक्त है, आर्मी है उनकी पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी, ये हमारे को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, और मोदी जी जब दुनिया के देशों में जाते तो बार बार वो 2014 के पहले की तुलना करते हैं, वो 2014 के पहले का भारत दिखाते हैं, 2014 के पहले भारत कुछ नहीं था, सब कुछ मटिया मिट था, यदि कुछ भारत हुआ तो 2014 से 2024 को के कैसे देखा जाए, सुशील सर इसको कैसे लिया जाए, क्या कहिएगा? अभी अभी ये चुटकी बजा रहे थे,
महामानव चुटकी बजा रहे थे विदेश में, ये चुटकी तो हम लोग यहाँ पर अपने जब मोहल्ले में बैठते हैं चबूतरे पे तब बजाते हैं और तमाम अजीब और शील और अश्लील किस्म की बातें भी करते हैं, ये विदेश में जाके चुटकी बजाने का क्या तुक था? उससे कई गुना ज्यादा हमारे आदरणीय सुनील शुक्ला जी भाव प्रभाव बात वक्तव्य दिए हैं, अभी जो उन्होंने बोला है आज इन्होंने बहुत थोड़ा शानदार बोला है, इतने भाव प्रभाव में बोला है अंतर्राष्ट्रीय, देखिए यही तो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतना विशाल समुद्र है, इतना विशाल परिसर वो है कि इसको पता ही नहीं है जो आदमी बेसिक हमने देखी। मैं आपने कितनी बार मैंने कहा, मेरे पास आज दो दो दृश्य आ रहे हैं, एक हॉलैंड के पीएम का और एक ब्रिटेन के सुनक पीएम का, जिनको बड़ा कंधे पर उठाए जितने हिंदुस्तान के लोग घूम रहे थे गाय को लिए गऊ को लिए बंदर को लिए, वो भी निपट लिए ठीक है, लेकिन हॉलैंड वाला देखिए कैसे उन्होंने वो बाय बाय किया और अपनी डिग्निटी के साथ गजब डिग्निटी के साथ साइकिल उठाई और चल दिए, क्या गजब है देश इसी वर्ल्ड इसी धरती पे सब हो रहा है। और सुनक भाई निकले और उधर से गए अपने घर गए, वो बैग लिए और मॉल में चले गए, वहां से कुछ खरीदारी किए, अकेले वो पता नहीं क्या सामान लेके चले गए, ये भी धरती पे हो रहा है। और यहाँ पर चुटकी बजा रहे हैं और मुझे मैं बता दूं बिल्कुल साफ, मैंने कितनी बार कहा आज भी मैं कह रहा हूँ, मुझे इनके ऊपर कभी लगा ही नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक अपने स्वरूप में ओरिजिनल थे, मतलब मन भापू लगता ही नहीं कभी, जब भी बोला तो देख लूंगा ऐसे को तैसा कर दूंगा वैसे को वैसा कर दूंगा, और फिर जो व्यक्ति चुनाव जीतता हो दुकान खाली कर दूंगा मकान खाली कर दूंगा भैंस चरा दूंगा दुकान चोरी हो जाएगी कब्जा हो जाएगा मंगलसूत्र, जिसकी मानसिकता वो हो आदरणीय सुनील जी, वो क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते वन टू वन बैठ के झूले किनारे वहां पर नहीं होते, अहमदाबाद में नदी किनारे वहां पर झूले में बैठते अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं घूमते जहां पर दुनिया भर का, ये पूरा दस साल इवेंट में निकल गया, राजनीति में नहीं निकला है। मैं डे वन से इस बात को बोल रहा हूं कि चाय से शुरू हुआ, चौकीदार पे आया, सेवक पे आया, फिर माँ पे आया, फिर रोने पे आया, फिर गाने पे आया, फिर मेरे पिताजी वो थे और माँ बस पता नहीं क्या क्या करते 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 करते, और चित्र हम लोग के आ रहे हैं कि एफिल टावर के पास बैठे हुए हैं, वहां पर उसमें ब्रिटेन वहां पर घूम रहे हैं, वो लॉन्ग कोट पहने हुए हैं, डिगायो वो बने हुए हैं, मतलब अलग अलग किस्म की फोटो, जहां पर ये बोल रहे थे कि मैं डिग्री होल्डर हो चुका हूँ, यहाँ ही बोल रहे थे मैं तपस्या कर रहा था, अजीब। और लेकिन इस देश ने क्या किया, इस देश ने हमारा सब अब जो असली समस्या है आदरणीय सुनील जी, इस देश की असली समस्या जानते क्या है? मैं बहुत वो करता था, छाती पीटता था, बहुत रोता था कांग्रेसियों पे, बहुत गुस्सा करता था, स्यापा करता था, स्यापा एक शब्द होता है कि क्यों नहीं राहुल, जब राहुल गांधी को कई घंटों घंटों वो किया गया इंट्रोग्रेट किया गया और सोनिया जो किया गया, तो मैं कहता था जब जहां पर राबड़ी बन सकती हैं, जहां पर वो अखिलेश यादव तमाम बन सकते हैं, वहां पर ये पीएम क्यों नहीं बन गए? 10 दिन के लिए बन जाते, प्रोटोकॉल तो होता, सोनिया जी बन जाती, लेकिन अब मुझे लगा कि नेचर भी कोई रचना रच रहा है, अगर ये तब बन जाते तो स्टेबिलिटी नहीं आती, वो गर्मा नहीं आती, वो चीज नहीं आती जो आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन के, विपक्ष नहीं मोहन भागवत के कहते हुए प्रतिपक्ष बन के नेता जो कर रहे हैं। अब देखिए मणिपुर तो हो चुका, इस देश की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं इसमें क्या है? देश के बाबाओं ने देश को कैप्चर कर रखा, अंधभक्ति ने देश को बर्बाद कर रखा। पहले वो गाय गोबर गंगा ने बर्बाद किया, जिसको देखो गाय पे गुनहा रहा नीचे बैठा हुआ गाय उसके भैंस के नीचे। अब स्थिति यह है कि जब जिस देश में इन प्रधानमंत्री को बजाय रशिया के यहाँ पर इनको हाथरस में बोना होना चाहिए था, इस देश में 121 लोग मर जाते हैं और 2 महीने की जुडिशियल कमेटी बनती है जो 2 महीने का समय देती है, और अभी आज SIT ने जो 300 पन्ने की रिपोर्ट दी है उसमें एक शब्द भी भोले जाटव का नहीं है सूरज का। क्या ये इस प्रदेश के पीएम है? ये बनारस के पीएम है, प्रदेश के भी पीएम है, पीएम यहां से भी है, एक शब्द निकला उस व्यक्ति का। और देखिए क्या है, एक SIT की इतनी पन्ने की हजारों पन्ने की रिपोर्ट है, उसमें एक भी शब्द उसके नाम पे नहीं है,
फोर्ट्रेस कहां जा रही है, ये देश कहां जा रहा है? आदरणीय सुनील जी आप बता रहे इंटरनेशनल, वो यहां तो नेशनल पे ही स्थिति यह है कि पहाड़ रो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। इस समय पूरा एक पूरा सेशन इस बात के लिए होना चाहिए हाउस का, इस देश का, कि पहाड़ गिर रहे हैं, पहाड़ बर्बाद हो रहे हैं, पहाड़ उखड़ रहे हैं, नदियां उबर रही हैं, वो रेल फट, मतलब सब फट रहा है, कहीं कुछ ठीक नहीं है। और नीट तो देश का मुस्तकबिल है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन से देश में गए थे, अभी छोटे देश में गए थे जिसमें वो आधे पौन घंटे टूर पे बैठे रहे, उसमें 7-8 देश आते हैं जिसमें इनको भाषण भी नहीं देना था और कुछ नहीं करना था। हम उस देश के कौन सा वो जगह थी, हम ध्यान भूल रहे हैं उसका, उस समिट थी वो, क्यों गए थे वहां जी? इटली। आप क्यों खाली इटली के लिए गए थे जैसे अभी वियतनाम जा रहे हैं? जिस पीएम का हमारे देश में विजन ही नहीं है, संवेदना ही नहीं है, चलो आप नहीं गए मणिपुर मत जाओ, आप किसानों के लिए नहीं किए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कितने पुल गिरे, कितने कुछ हुआ, नहीं गए कुछ बात नहीं। अरे जहां पर देश का निधि जिसकी जिसकी हैसियत 10 रुपए और 100 रुपए की है, वो भगदड़ में मर जाओ। देश में कोई रोज भगदड़ तो होती नहीं है, देश में अगर कुल मिला के भगदड़ हुई होगी तो 20-25 पर भगदड़ हुई होगी, डेवन से आज तक देखिए उस भगदड़ में नंबर 3 की भगदड़ थी, और एक शब्द अगले के आगे से नहीं निकला, जो ना देश का, न प्रदेश का, न अपनों का, न राम का। राम के असली भक्त वो सत्येंद्रनाथ पुजारी जी वो बोल रहे हैं और चंपक राय जी बोल रहे हैं कि तो जिस देश में इतना दिक्कत, और देखिए भगवान का रूप देखिए। इसी 10 साल में बाबा ये रामदेव, क्या नाम इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कहां से कहां पहुंच गया, उस पे आज ही 16 उसके जो है वो ब्रांड करेगा, एक बार आप खत्म करेगा, मैं मीनू जी की भी टिप्पणी दूंगा, आप करिए। 16 ब्रांड उसके आज कैंसिल हुए हैं, इन 16 ब्रांड ने 10 साल में हजारों करोड़ का आदमी से बना दिया। और सबसे बड़ी बात, 20 साल बाद धीरू भाई अंबानी के खानदान के लोग, अनिल अंबानी, गए हैं सोनिया गांधी घर पे और आधे घंटे 2 घंटे बैठ के बात किए हैं। ये बताता है कि आने वाला वक्त पीएम मटेरियल का राहुल हो गए। और फिर मैं आखिरी बात कही, खत्म करता हूँ। कभी कभी पीएम चिप से मन भर जाता है, जैसे विस्की स्काच विस्की से मन भर जाता है, जैसे घूमने फिरने से मन भर जाता है, ऐसे कभी कभी पीएम से भी मन भर जाता है। इनका पीएम से मन भर चुका है, इनका पीएम से मन भर चुका, अभी घूम फिर ले और 6 महीने 1 साल में देखते आगे क्या होता है। धन्यवाद। इनका मन भर गया है, अलग बात आप कर रहे हैं। मीनू जी, वो हम जो देख रहे थे, उन्होंने वहां जो दौरा उनका है, वो दुनिया भर के संकट पर भारत सबसे पहले पहुंचता है, इस तरीके का एक संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि आपके पास दुनिया के लिए वक्त है, दुनिया में आप जा रहे हो, देश के लिए आप वक्त नहीं निकाल पाते। आप पे जो आक्षेप है, आरोप है, कैसे हम इसको ले, कैसे करें? और फिर दूसरा, जो हमारी जो कूटनीति की जो सफलताएं तो अर्जित होती है, जो अभी हमारे सारे पैनलिस्ट ने कहा कि हम कुछ ऐसा विजन पेश करें जिससे एक अलग संदेश आए। आप वही अपना जो गाना है, जो चुनावी एक जो पूरे का पूरा दृश्य था, वो हमने वहां मास्को में देख रहे हैं, आप ऑस्ट्रिया जाएंगे तो शायद वहां भी वो ऐसे कुछ पेश आए। साहब क्या कहिएगा मीनू जी? जी देखिए, मोदी जी की जो विदेश नीति है, वो जो अंतरराष्ट्रीय मानक है या विदेश नीति के जो मानक है, उस हिसाब से तो चलती नहीं है। मोदी जी के दिमाग में जो कल्पना है या विम्स एंड फैंसीज जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, उसके हिसाब से चलती है। अब आप रूस के साथ वहां बैठे हैं, रूस चाइना का साथी है और चाइना आपकी जमीन पे कब्जा किए बैठा है और अंदर घुसे चला आ रहा है लगातार, उससे आप आंख बूंदे बैठे हैं, तो आप हैं किधर? मतलब आप इसका मतलब आप चाइना के साथ हैं? चाइना जो आपके साथ कर रहा है, यही तो मैसेज दे रहे हैं आपकी, भाई चाइना जो कर रहा है ठीक कर रहा है, करने दो, जितना भी ले जाए ले जाओ, वो उसका हक है, हम रूस के साथ हैं। अदरवाइज आप जब गए हैं रूस के साथ, आपने वहां कुछ चाइना के बारे में बात हुई? जो आपकी गलवान में बैठा है वहां, ये पेंगोंग लेक में बताया जा रहा है कि वहां बंकरों की खुदाई हो रही है, लेटेस्ट अभी कल परसों की खबर है, तो उसके बारे में कहां बात हो रही है आपकी? और आप उस रशिया के साथ बैठे हैं जो कि चाइना के साथ बैठ के यहाँ पे एक अलग नया एक ब्लॉक तैयार हो रहा है दुनिया को बाइपोलर करने के लिए, तो आप किसके साथ हैं? आप उधर देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, आप वहां पे सत्ताओं के परिवर्तन हो रहे हैं, राइट की तरफ से हटके दिमाग लोगों का सेंटर की तरफ आ रहा है, ब्रिटेन में सेंटर की सरकार बन गई है, फ्रांस में लेफ्टिस्ट की सरकार बन गई है,
जहां पे फ्रांस में कहा जा रहा था कि राइट विंगर्स की सरकार बनेगी, वो राइट से वाले तो तीसरे नंबर पे चले गए। लेकिन आपको नहीं पता है, आपको लगता है कि ये भी सही ये भी सही। उन मोदी जी क्या सोचते हैं कि बस जहां से फायदा मिले उधर की तरफ झुक जाओ और उसको कह दो जी ये हम तो ये हमारा दोस्त है। विदेश नीति में ऐसे नहीं होता। आप बता रहे हैं कि हम तो भी किसी के साथ नहीं है, हम तो अपनी मर्जी के मालिक है। ये नॉन अलाइनमेंट नहीं कहलाता अपनी मर्जी के मालिक होना, स्ट्रेटेजिक होती है नॉन अलाइनमेंट, जो नेहरू की थी। लेकिन मोदी जी का क्या है कि यहाँ पे आप रशिया से जा रहे हैं क्योंकि आप रशिया से वहां सस्ता तेल खरीदते हैं। मेन आपकी प्रॉब्लम ये है असल में, मतलब स्वार्थ आपका ये है, प्रॉब्लम नहीं आपकी स्वार्थ ये है। और आपने फ्यूल फूड और फर्टिलाइजर तो वो उसमें मोदी की जो जो वहां से जो क्रूड ऑयल खरीदा और उसको रिफाइन करके इन्होंने वापस वेस्टर्न वर्ल्ड को बेचा, उसमें बहुत मोटा पैसा कमाया है भारत सरकार ने। तो मोदी जी का एकमात्र ये है, उसके बदले में आपकी चाहे जमीन चली जाए, आपको चाहे और भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, उसके लिए आपको उसकी चिंता नहीं है। तो ये मोदी जी का जो आप जो ऑस्ट्रिया की बात बता रहे हैं, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि ये कह रहे हैं कि 40 सालों में पहली बार जा रहे हैं। भाई ऑस्ट्रिया कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है, कोई गरीब गुरबा कंट्री है और मोदी जी वहां जा रहे हैं, दसाओ तो बड़े कृतार्थ महसूस करेंगे ऑस्ट्रिया वाले। मतलब ऑस्ट्रिया तो हिटलर का जन्म स्थान है, हो सकता है उसे श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, याद करने जा रहे हो, फूल मूल चढ़ाने जा रहे हो, ये भी हो सकता है ना। पैदा तो ऑस्ट्रिया में ही हुआ था हिटलर, बाद में आया जर्मनी में। तो ये चीजें मोदी जी का क्या है कि आप क्योंकि बचा उनकी लिस्ट में ऑस्ट्रिया बच गया होगा, जो उन्होंने पूरा अराउंड द वर्ल्ड इन 10 ईयर्स फिल्म बनाई है उन्होंने जो, तो उसमें बच गया होगा कि मोदी जी का एक ऑस्ट्रिया और बच गया है तो वहां भी चले गए। अरे आप जाके वहां जो बातें कर रहे हैं, आपका घर तो संभाल लीजिए आप, और आप किसको बता रहे हैं? आप दो आप अपनी पार्टी को तो जिता नहीं पाए, पूर्ण बहुमत नहीं दिलवा पाए, आप हारते हारते बचे हैं। आप आपका जो मत का जो नंबर था संख्या वोटर वोट मिलने की, वो आपकी ड्रास्टिकली नीचे चली गई है। आप किस चीज की वहां पे बात बना रहे हैं, किस तरीके का लोगों को ये समझा रहे हैं? जैसा भी मेरे से पहले बोला कि भाई वो अपने घर में बैठ लाया है उसने आपको चाय पे, और आप इधर उधर की अपनी हाँक रहे हैं। वही जैसे चुनावी रैली में होता है इनका, जो बात चुनावी रैली में बोलते हैं वही किसी के घर में के ड्राइंग रूम में या जहां भी आप बैठे हैं उस टेरेस के ऊपर, पोर्टिको के वो टेरेस पे बैठे हैं आप, तो वहां पे भी आप उसको वही बात कह रहे हैं। मतलब आपको यही नहीं पता है, क्यों नहीं पता है? आप इसके पीछे भी जाइए कि मोदी जी का दुनिया कितनी सीमित है, मोदी जी की कि मोदी जी की दुनिया केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक सीमित है। उनको ये नहीं पता है कि किसी के घर जाने पे दोस्ती चाय के ऊपर किस तरह की चर्चा की जाती है। चर्चा चाय की तो वहां भी, क्योंकि यहाँ तो चाय पे चर्चा उन्होंने पॉलिटिक्स की। हिंदुस्तान में उन्होंने ये सीखा कि चाय पे जब चर्चा होती है तो पॉलिटिक्स की बात करो, तो वही वो वहां लेके बैठ गए पुतिन के साथ। अरे आप घर गए उसके, वो अपनी जो चीजें दिखा रहे हैं, जब आप किसी के घर जाते हैं तो ये एक कर्टसी होती है, एक एटिकेट्स होते हैं कि आपको चाहे पसंद भी ना रहो तो भी आप उसकी प्रशंसा करते हैं उनकी चीजों की जो वो दिखा रहा है बड़े शौक से कि ये मेरा ये देखिए मेरा वो देखिए, वेरी गुड बॉब, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ये कहा जाता। लेकिन मोदी जी को क्योंकि लगता है कि आ गया पकड़ में मुर्गा, इसको भी सुनाओ, ड्रोन दीदी वगैरह उसको भी सुना दिया हो, क्या पता आपको, क्या पता भाई आपको उनकी प्राइवेट बात जो बात हो रही थी उसके तो आप प्रीवी नहीं है ना, आपको मालूम नहीं है उन्होंने क्या बात की है। तो आप जो है उनको तो प्रॉब्लम असल में ये हो रही थी कि वो तीसरी बार चुने गए हैं, वो किसी भी तरीके से चुने गए हो, कितनी भी सीट आई हो, उनको इस वक्त बेचैनी ये हो रही थी कि दुनिया को बताऊं कैसे मैं तीसरी बार बन गया हूँ। तो उसके लिए ये आना जाना जरूरी था, वो मोदी जी का लक्ष्य हासिल हो गया है, और क्या चाहिए मोदी जी। जी मैं अंतिम चरण में बहुत छोटी छोटी एक एक लाइन की टिप्पणी लेता हूँ। जो बात शुरू जहां से हुई थी राजेश जी, आप ही ने शुरू की थी, इवेंट ही का रूप है, इवेंट से इतर कुछ नहीं है। आपको जो देश में जो जिस आप एक अंतर्द्वंद में या जिस तरीके के आप भवन में फंसे हैं उससे ध्यान हटाने के तौर पे भी इसे लिया या देखा जा सकता है। हम जो पहले भी कह रहे हैं कि आप भारत की कूटनीतिक सफलताओं पर निश्चित तौर पर देश को नाज होगा, फक्र होगा, लेकिन यहाँ जो निकल कर आता है वो यही है कि इवेंट और एक अपना जो यहाँ से देश में जो चल रहा है आपके खिलाफ उसे ध्यान रखना। छोटी छोटी एक एक लाइन की टिप्पणी राजेश। नहीं बिल्कुल, सुनील जी ने मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया, लेकिन आप समझो कि कोई भोजपुरी कलाकार को हॉलीवुड में कास्ट कर लिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी। तो इनका यही है,
ये कलाकार भोजपुरी के इंटरनेशनल फोरम पे चले जाते तो करते वही है जो भोजपुरी वाले यहाँ ठुमके लगाते। तो इनको यही पता नहीं है कि चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म होने के बाद देश के अंदर भी भाषा बदल जानी चाहिए आपकी। आपके चुनाव के दौरान जो आरोप लगाने थे विपक्ष को, जो भी गालियां देनी थी, जो भी कहना था वो कह दिया, उसके बाद सदन में आपकी भाषा बदल जानी चाहिए, वो नहीं हुआ। अब देश से बाहर गए हैं तो वही बात बता रहे हैं देश के लोगों को, 2014 से पहले देश में क्या भाव था, क्या हताशा था, यही तो सदन के अंदर बोले थे। तो मुझे लगता है एक ही स्क्रिप्ट जो है वो पकड़ कर वो घूम रहे हैं, या तो उनका राइटर जो है वो रजा पर चला गया है, वो छुट्टी पर चला गया है, या उनकी जो है स्क्रिप्ट जो पकड़ा दी गई है वो चुनाव वाली पकड़ा दी गई है, ये दो ही चीज हो सकती है। तो वहां पर जो ऑडियंस है वो भी तो उनको ऑडिट कर रहा होगा कि भाई आप यहाँ अगर क्या बात कर रहे हो, यहाँ के जो लोग हैं और उनकी अगर ये सारे भाषण जो है 2014 के बाद देश कितना बदल गया है, देश बदल रहा है ये कह रहे हैं, तो जो लोग रोटी रोजगार के लिए यहाँ गए हैं सात समंदर पार, वो सारे जो है लौट के भारत आ जाना चाहिए। लेकिन आज भी वीजा के लिए और हमारे गुजरात में तो जो कबूतरबाजी होती है कैनेडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, लोग अपनी जान पर आ जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग पैसों से लूटे जाते हैं, फिर भी गुजरात उनको छोड़ देना है और जाना है कैनेडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। और कहते ये हैं कि कैनेडा के अंदर भी गुजरात बसा है, अमेरिका के अंदर गुजरात बसा है। अरे भाई गुजरात उजड़ रहा है और वहां बस रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो आपने अगर देश को बदल दिया है 10 साल के अंदर, तो ये जो यात्रा है यहाँ से लोगों की विदेश जाने की वो कम हो जानी चाहिए। उनको बात करनी थी तो वहां पर जो भारतीय मूल के लोग थे उनकी कोई समस्या थी उसकी बात करनी चाहिए, परस्पर जो देश के संबंध है उसकी बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये उनसे नहीं हो पाएगा। ये मनमोहन सिंह क्लास के लीडर थे, ये मास के लीडर है। आप भीमसेन जोशी और योजो हनी सिंह के बीच में तुलना करेंगे, ऐसी तुलना है मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में करने की। तो ये मास के लीडर है, तो उनका जो ऑडियंस है वो आसाराम का जो ऑडियंस था, राम रहीम का जो ऑडियंस था, निर्मल बाबा का ऑडियंस था, वही ऑडियंस उनका ये समझ रहे हैं, और वही क्लास जो है वो सारी जगह दिखा रहा है, ये दिक्कत। बिल्कुल सर, आपकी टिप्पणी जो बात राजेश भाई ने कही है मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि आज तक 10 साल में नरेंद्र मोदी ने, सुनील जी ने भी वो बात उठाई थी, किसी भी देश में जाके उन मुद्दों पर बात की हो जो द्विपक्ष दोनों पक्षों के मुद्दे हों या उस देश से हमारे क्या हित जुड़े हैं उन पर बात की हो, नहीं उन्होंने जहां भी गए मैं अपनी बात, अपना देश, अपना हमने ये कर लिया। दरअसल हो क्या रहा है कि जब आप अपने देश में मीडिया को फेस नहीं कर सकते तो दूसरे देशों में जाके जो परंपरा थी कि मीडिया के सामने आपको बात करनी है तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। आप तो एक चीज आपको याद आ गई कि मैंने ये किया है, मैं ये कर सकता हूँ। अब आप अभी आपने भाषण दिखाया उसमें बात डॉक्टर की हो रही है। अब नरेंद्र मोदी को देखिए, बहुत कायदे की बात है, कैसे दूसरी चीज आई, उन्हें व्यापम याद आ रहा होगा, उन्हें नीट याद आ रहा होगा, तब तो उन्हें वो डॉक्टर याद आ रहे हैं क्योंकि जो उनकी उपलब्धि है जो उनके समय में हुआ है। मूल बात यह है कि कभी भी किसी भी देश में जाके आप घोड़ा देखिए कुछ देखिए जाके बात करिए, लेकिन एक मुद्दा तो वो उठाइए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके ये लगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने रूस में आके ये बात कही, भाई यूक्रेन की लड़ाई अगर आपके एक फोन पर रूस रुक जाता था तो आप दुनिया के हित में बात करिए, लेकिन वो नहीं हो सकती है, वो भारतीयों के बीच में जाएंगे और फिर राहुल गांधी से लेके सबको गाली देंगे। पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं देश की, उन पर कोई बात नहीं करेंगे। पुतिन के घर भी गए तो अगर कुछ नहीं था तो घोड़े की बात कर लेते, वो भी नहीं कर पाएंगे, वहां भी उनको वही बात आएगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब चुपकी बात जो राजेश भाई ने कही कि भाई जो गैर पढ़ा लिखा है वो गैर पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ा लिखा है, उनमें कोई समानता है नहीं और ये हम भुगत रहे हैं। 10 साल भुगता, 15-5 साल और भुगतेंगे कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया में जाके हमारे हमारा प्रधानमंत्री क्या करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी हमारा दुर्भाग्य जो आप बात करते हैं यही बार बार सवाल उठता है। सुनील सर, आपने जो बात मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, हमने ये देखा है जब जब विदेश यात्राएं होती थी प्रधानमंत्री जी पूरा देश को आके कहीं ना कहीं उसकी एक लेखा जोखा जो देना चाहिए वो दिया जाता था। और आपने तो उस जब वापसी करी है तो वो प्लेन में ही पत्रकार वार्ताएं हो जाया करती थी, उसका पूरा ब्यौरा आ जाया करता था। ये जो बात पूरी की पूरी है, यहाँ तो कुछ नहीं निकलता, नतीजा वही ढाक के 3-5 जैसा है, क्या करेंगे? वही तो सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अगर प्रधानमंत्री जी यह बात करें कि रूस और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार का जो घाटा है उसको हमने कम करने की बात,
अगर प्रधानमंत्री जी कहें कि इस यात्रा के दौरान रूस या जो यूरोपीय देश हैं उनमें भारतीय लोगों को वीजा मिलने में जो देरी हो रही है उसको कम करने का हमने बात किया, जो वीजा की अवधि है जो कई देश कम करते चले जा रहे हैं उसको हमने बढ़ाने की बात की, जो रूस में हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की हमने बात हमने सुनिश्चित की, व्यापार जिन क्षेत्रों में व्यापार अभी नहीं हो रहा है उसको और नए रास्ते खोलने की हमने बात किया, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आपूर्ति हिंदुस्तान में सीधे कर ली जाए या जो उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको जल्दी पूरा कर लिया जाए उसकी हमने बात की, दुनिया सुनेगी हम आप भी सुनेंगे। और अगर इससे इतर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय दौरों के दौरान तो निश्चित रूप से वो आलोचना का ही विषय होता है। आप अगर कोई भारतीय नागरिक वहां पे है उसको अगर आप यह आश्वस्त करते हुए नजर आए कि वह भारत की सरकार उसके साथ खड़ी है, वाणिज्य और व्यापार के लिए उसके किए जा रहे प्रयासों के संकेत में सरकार का समर्थन है, सब वहां का जो रहने वाला व्यक्ति है वो भी इसको महसूस करेगा। जो लोग इस सवाल पर पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण है कि भारतीय विद्यार्थी चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए मास्को चला जा रहा है, इतनी भयानक ठंड में रहने के लिए मजबूर है वो क्यों जा रहा है, और वह स्थितियां हम बेहतर क्यों नहीं कर सकते। आप उन विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ क्यों आते हो, आप हमारे यहाँ पढ़ो, तुम्हारी क्या दिक्कत है मुझे बताओ, उसका समाधान कर ले। युद्धग्रस्त यूक्रेन में लोग पढ़ने चले जा रहे हैं, नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव जहां पे है नेपाल, वहां लोग भी मेडिकल की पढ़ाई करने चले जा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं करते। सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में द्विपक्षीय संबंधों में द्विपक्षीय हितों की बात होनी चाहिए और तभी उस यात्रा का महत्व है, तभी उसी आधार पर यात्राओं का मूल्यांकन है। बिल्कुल सर, मैं समय की पाबंदी यार, बिल्कुल एक एक लाइन का सर, एक लाइन में आप अपनी बात कहिएगा सुशील सर। सुनील जी, संजीव जी, नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, निरपेक्ष, गुटपेक्ष, ये तो बात ही छोड़ दीजिए। नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी और राजीव जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे इंद्र कुमार गुजराल तक का जो कद था, जो मेंटल लेवल था, जो बुद्धिजीविता थी उनके अंदर, वो कहीं जिस व्यक्ति में अहम ब्रह्मास्म वाला वो हो भाव, और जिस व्यक्ति को वो जो इवेंट मैनेजर वाला जो वो स्टाइल उनको पसंद आती हो, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है कि वो पुतिन है सामने, कि रूसकी सामने है, कि चीन सामने, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और उनके लेवल के जो जो वो है जयशंकर, वो जैसे है आप दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इतने बड़े सीनियर पत्रकार बैठे हैं जो पहले पीएम चलते थे विदेश की वो तमाम समझौते पे यार तमाम बातों पर, तो विदेश के जो अच्छे खासे पत्रकार होते, जो विदेश के जानकार पत्रकार होते थे, जो विदेशी नीति के जानकार लोग होते थे, वो साथ चलते थे, वो साथ वहां रहते थे, वो वहां पर विषय को समर्जित करते थे। ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो गुजरात के नगाड़े बज गए, वहां पर गुजरात का इवेंट आ गया, वहां कुछ सरदार बन गए, वहां पर कुछ गुजराती बन गए, वहां कुछ ब्राह्मण बन गए, वहां कायर बन गए और जिंदाबाद शुरू हो गया। गाय गोबर से ऊपर कोई निकली नहीं पाएगा जिस सोच से, वहां पर गुट निरपेक्ष, अलाइनमेंट, यूक्रेन, विक्ट्रेन और सबका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जब तक चल रही है पीएम से चलने दीजिए, हमारी शुभकामनाएं देश के पीएम के लिए, धन्यवाद जी। जी मीनू जी, अंतिम आपसे समाप्त कर एक छोटी सी टिप्पणी, ओवर एज टाइम के लिए तो क्या है कि अभी क्या कह सकते हैं मोदी जी के बारे में, तो कुछ कह देते तो मर्जी के मालिक है। मैंने आप जैसा भी पहले कहा कि विदेश नीति जो है किसी नियम सिद्धांतों के अनुकूल नहीं चल रही है, मोदी जी की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर चल रही है, तो वो मोदी जी उसी तरह आगे भी चलाते रहेंगे जब तक ये है, कर लेने दीजिए। चलिए अभी तो लास्ट है, मुझे तो लग रहा है कि जो ये फेज है इनका तो घूमने घुमाने का, जिसको कहते ना घूमी करने दीजिए, घूमी करके आ जाएंगे, बैठ जाएंगे कुछ दिन और उनको थोड़ा शांति पड़ जाएगी कि हाँ मैं दुनिया में पताका लहरा के आ गया, बता के आ गया, एटलीस्ट पुतिन को बता दिया मैंने, मैंने ऑस्ट्रिया में बता दिया मैंने कि भाई मैं तीसरी बार बन के आया हूँ, तो नेहरू के बराबरी कर ली है मैंने। तो वो चीज जो यहाँ कहना चाह रहे थे, यहाँ की दुनिया तो यहाँ की जनता के लिए तो घर की मुर्गी हो जाता है ना, तो दुनिया को पता चले और दुनिया उल्टे आप नेहरू की याद दिलवा रहे हैं दुनिया को अगर आप वहां ये बात रिमाइंड कराते हैं तो ये। लेकिन उनका क्या है कि मोदी जी हैं वो, तो उनके हिसाब से देश नीति हो या स्वदेश नीति हो, वो सब उनके अर्थ नीति हो, वो भी उनकी दिमागी उस पर चलती है कि उनके दिमाग में जो आ गया बस वही सही है,
बाकी तो सब चीजें एक तरफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो आत्मुग्धता से आत्मुग्धता के ऊपर उठ नहीं पाते। आज हमने वहां देखा कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाते रहे, और जो हम पूरा आप पैनल ने जिस तरीके से कहा कि कुछ ऐसा निकल कर आता ठोस होता कि आप लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी गए और एक जो विदेश नीति को लेकर या जो एक कूटनीति जो हम सफलताएं प्राप्त कर सकते वो होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। हम इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, शानदार आप लोगों ने अपनी राय प्रकट की। मीनू जी, सुनील सर, राजेश जी, सुशील जी और अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत आभार जताएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें कहीं ना कहीं यही निकल कर आता है कि देश आगे बढ़े हर हिंदुस्तानी चाहता है, लेकिन जब बात निकल कर ये आती है कि देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अवसर मिलने पर जो हम सफलता अर्जित कर सकते हैं वो नहीं प्राप्त होती दिखती, तो निराशा भी होती है। इस चर्चा में इतना ही, हम फिर किसी नए विषय किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और ये चर्चा आपको कैसी लगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।